उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर। प्रयागराज पुलिस अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन के पोस्टर जारी करेगी। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी शाइस्ता परवीन पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। तो शाइस्ता का पोस्टर जारी करने वाली है पुलिस। 25,000 के इनामी है शाइस्ता परवीन। और कहा तो ये भी जा रहा था इसके बारे में कि कई सारे मीटिंग्स में जिसमें उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने की पूरी प्लानिंग रह चुकी थी, उस मीटिंग का अहम हिस्सा हुआ करती थी अतीक की पत्नी। जर्मनी ने ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए इजराइल का पूरा साथ देने का वादा किया। जर्मनी के इस भरोसे के बाद नेतन्याहू ने भी एक बार फिर अपनी कसम दोहराई। Everything necessary to prevent Iran from obtaining nuclear weapons. इजराइल दुनिया के कई देशों को ईरान के खिलाफ एक मंच पर लाने में जुटा है और इसके लिए वो ईरान के परमाणु बम के खतरे से दुनिया को बार बार आगाह कर रहा है। हालांकि ईरान उसके आरोपों को नकारता रहा है। इधर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की रिमांड 5 दिन बढ़ गई। उन्हें आबकारी घोटाला मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था और 7 दिन की रिमांड खत्म होने पर मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां ईडी की दलील सुनने के बाद अदालत ने उनकी हिरासत 5 दिन और बढ़ा दी। सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया कि सिसोदिया से की गई पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई। अब उनसे दूसरे आरोपियों के सामने बिठाकर पूछताछ होगी। इस बीच दिल्ली में मनीष सिसोदिया का सरकारी बंगला नई शिक्षा मंत्री आतिशी को देने पर सियासी घमासान मच गया। सिसोदिया दिल्ली आबकारी घोटाले में आरोपी हैं और उन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उनका सरकारी बंगला नई शिक्षा मंत्री आतिशी को दे दिया गया, जिस पर बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेर लिया। तो अरविंद केजरीवाल को इतनी जल्दी क्या है अपने आप पिंड छुड़ाने की मनीष सिसोदिया से? हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस फैसले का बचाव किया। वो तो एक कानूनी प्रक्रिया होती है। दिल्ली आबकारी घोटाले में आरोपी मनीष सिसोदिया 26 फरवरी से जेल में बंद है। उधर यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उसने अपनी सेना के अंदर चीन में बना ड्रोन मार गिराया है, जिसकी तस्वीरें भी जारी की गई। यूक्रेन ने दावा किया कि जो ड्रोन उसने मारा वो चीन की कंपनी ने बनाया था और वो यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में मंडरा रहा था, जिसमें करीब 20 किलो का बम था और यूक्रेन के सैनिकों ने उसे AK-47 से मार गिराया। यूक्रेन की सेना ने ड्रोन की तस्वीरें भी जारी की और दावा किया कि ये ड्रोन चीन की कंपनी ने बनाया, जिसके बाद चीन की कंपनी ने भी इस बात की पुष्टि की और माना कि वो ड्रोन उसी ने बनाया था। यही नहीं, उसने जंग के दौरान उसके ड्रोन के इस्तेमाल की निंदा भी की। यूक्रेन की सेना ने भी बताया कि मुगिन 5 नाम का ये ड्रोन जंग में इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन उसमें कुछ बदलाव किया गया और फिर विस्फोटक के साथ उसे यूक्रेन भेजा गया, जो रात के करीब 2 बजे बहुत कम ऊंचाई पर उड़ रहा था और यूक्रेन के एक सैनिक ने उसे देख लिया था। चीन के मुगिन 5 ड्रोन को अलीबाबा ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है, जिसे ऑनलाइन $15,000 में यानी भारतीय रुपयों में करीब 12 लाख रुपए में खरीदा जा सकता है। हालांकि यूक्रेन की सेना ने औपचारिक तौर पर यह नहीं कहा कि ड्रोन रूस ने भेजा था, लेकिन माना जा रहा है कि उसका इशारा उसी ओर था और चीन की कंपनी का नाम लेकर वो ये बताना चाहता है कि यूक्रेन जंग में चीन की एंट्री हो गई है, जबकि चीन की कंपनी इस घटना की निंदा कर चुकी।